कोरोना के JN.1 वेरिएंट को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से भी अलग अलग प्रदेशों की सरकारों को साफ तौर पर इस वेरिएंट को लेकर के अलर्ट रहने की सलाह दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस वेरिएंट को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि फिलहाल अभी घबराने की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि लगातार हर स्तर पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और ख़ास तौर से जिन लोगों को बुखार या जुखाम खांसी जैसे लक्षण हैं उनको तुरंत ही जो इससे संबंधित जाँचें हैं वो करने की सलाह भी दी जा रही है। अगर किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसको समय रहते रोका जा सके और उचित इलाज देकर उन सभी की जांच भी की जा सके, ये भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी अलग अलग जो अस्पताल हैं वहां पर जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे कि समय रहते उनकी जाँच हो सके और उचित इलाज दिया जा सके। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए खास तौर से DG स्वास्थ्य की तरफ से इसको लेकर के एक अलग व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग लैब हैं जहां पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। अलग अलग जगह से सैंपल आते हैं और उन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की गई है। ये भी बात साफ तौर पर निकल करके सामने आ रही है कि जब तक 30 से 40 मरीज एक जिले से निकल करके सामने नहीं आते तब तक वहाँ पर स्थिति सामान्य ही मानी जाएगी, और अगर इससे स्थिति ऊपर जाती है तो तेजी के साथ जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करते हुए उस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी ज़्यादा अलर्ट करते हुए मॉडिफाई करते हुए वहाँ पर व्यवस्थाएँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आज कितने मरीज आए हैं। उत्तर प्रदेश में आज 16 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। फिलहाल सभी होम क्वारंटीन हैं, किसी भी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी को घरों पर इलाज दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में 3 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में, इन सब जगहों पे भी कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल अभी कोरोना का जो स्प्रेड बढ़ने की जो क्षमता है वो उतनी तेज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो भी अभी यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी इतनी घबराने की स्थिति नहीं है। लोग पहले और कोरोना की दूसरी लहर में जो प्रयास कर रहे थे, बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग, अस्पताल जाने पर मास्क का उपयोग, अस्पताल से वापस आने के बाद जो तमाम प्रोटोकॉल हैं जो जिस दौरान वो लगातार पालन कर रहे थे ठीक उसी तरह से करें। खांसी जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और कोरोना की जांच कराएं। इन सभी नियमों को सख्ती के साथ पालन करें, जिससे कि कोरोना अगर संभावित या संदिग्ध रूप में किसी मरीज में आता है तो उसे समय रहते चिन्हित करके उसका इलाज किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेशन लखनऊ।